बीजगणित के बारे में बेसिक से पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि बीजगणित है क्या। हमने बचपन में तो अंकगणित पढ़ा है, जिसमें हमने संख्याओं का गणित पढ़ा है, लेकिन जब हम बीजगणित पढ़ते हैं तो बीजगणित में हमें क्या पढ़ना पड़ता है? तो बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत संख्याओं के स्थान पर हम अक्षरों का प्रयोग करके गणितीय प्रक्रियाओं या संक्रियाओं को करते हैं। इसमें हम अंग्रेजी वर्णमाला और हिंदी वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग करते हैं। तो जैसे देखिए, हम अंग्रेजी वर्णमाला में हम ए बी एक्स वाई जेड इस तरह से हम कोई भी अल्फाबेट का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह हिंदी में भी हम क ख कोई भी वर्णमाला का हम हिंदी में भी उपयोग कर सकते हैं, हिंदी वर्णमाला का भी उपयोग कर सकते हैं। तो बचपन में हमने देखा था 3 + 4 बराबर क्या होता है 7, लेकिन चूंकि हम बीजगणित पढ़ रहे हैं तो बीजगणित में हमको अक्षरों वाला गणित पढ़ना है। तो 3x + 2 यदि हमें इसमें 4x + 5 को जोड़ना है, इनके बीच हमें धन ऋण गुणा और भाग की संक्रिया करना है, तो ये हम बीजगणित में पढ़ेंगे।